हमीरपुर के टाउन हॉल में प्रदेश डिपो होल्डरों की प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष विधायक राजेंद्र राणा, डिपो होल्डर संघ के अध्यक्ष अशोक कवि भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का पहुंचने पर स्वागत किया गया और शॉल टोपी देकर सम्मानित किया गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डिपो होल्डरों की मांगों को हमेशा अनदेखा किया है और कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद डिपो होल्डरों की मांगों को देखते हुए ठोस पॉलिसी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डिपो होल्डरों की मांगें 5 साल पहले पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक डिपो होल्डर उम्मीद ही लगा बैठे हैं। तौर पे बता देना चाहता हूँ कि 50 दिन की दूरी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। जयराम को जाना है और उनको मानसिक तौर पे तैयार हो जाना चाहिए, अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि हाँ मेरी सरकार जा रही है। और आजकल जो इन्होंने काम किया है, जो प्रदेश के को से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस ढंग से ये आजकल कार्यक्रम चल रहे हैं अमृत महोत्सव के नाम पे, अमृत महोत्सव के नाम से 75 रैलियां हो रही हैं। ये जो है भाजपा की रैलियां हैं, ये पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी से चार्ज किया जाना चाहिए। मैं जो है एक दो दिन के अंदर राज्यपाल को पत्र भेज रहा हूँ कि ये ऐसा खिलवाड़ किसी सरकार ने आज दिन तक नहीं किया था, किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था कि आप जो है राजनीतिक रैलियाँ, पॉलिटिकल रैलियाँ आप सरकारी कोष से करें, सरकार के खजाने से करें, उस खजाने से करें जहाँ दिवालिया पिट चुका है, यहाँ पे 2500 करोड़ रुपए का भी कर्जा लिया जा रहा है, वहाँ पे आप जो है अपने सारे कार्यक्रम जो हैं 75 कार्यक्रम, एक एक कार्यक्रम पे आप जो है 50 लाख 75 लाख 1 करोड़ तक खर्चा कर रहे हैं। आप बताएं कि आप कौन से नवाब आ गए, आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप जो है सरकारी कोष की धज्जियाँ उड़ा के रख दें। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, पहले तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिन्होंने बंद की वो बात कर रहे हैं, बंद हमने नहीं की, बंद की ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, 2003 में वाजपेयी जी की सरकार थी, दिल्ली में उन्होंने एक मुश्त फैसला लिया कि हम देश के कर्मचारियों को पेंशन नहीं देंगे और प्रदेश की सरकारों को विवश किया कि अगर आपको आगे का पैसा लेना है, स्टेट्स का शेयर लेने हैं तो आपको जो है पहले करार करने पड़ेंगे। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, पिछले 5-7 साल से प्रदेश का कर्मचारी बहुत आक्रोशित है और वो एक ही मांग कर रहा है कि जब हम घर जा रहे हैं तो हमें पेंशन चाहिए। और हम भी देखते हैं कि जिन लोगों ने प्रदेश की सेवा की है, प्रदेश के विकास में, कल्याण में, गरीब की सेवा में जिन लोगों ने रोल प्ले किया है, उनको जो है खाली हाथ घर नहीं भेजा जा सकता। घर जाएंगे तो जो घर वाले कहेंगे इनकी जेब में तो कुछ नहीं है, तो उनको उस सम्मान से भी नहीं देखा जाता, उस भाव से भी नहीं देखा जाता। इसलिए हम कमिटेड हैं कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को हम पेंशन देंगे।